हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आए बच्चे होंगे, मेरा नाम है अरबी अदरम भाई, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ इस तरह का श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पोस्टर एडिटिंग यानी फुल PNG PL फाइल आपको देने वाले हैं। तो पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। वीडियो में आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, वो भी देख लेना। और वीडियो में पासवर्ड कहीं भी देखने को मिल सकता है, तो फुल वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को बहुत ही समय लगता है पोस्टर डिजाइनिंग करने में। तो आप लोग पूरा वीडियो देख के पासवर्ड जाके भाई फाइल को अनजिप कर लेना। अनजिप करने के बाद फाइल को पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। तो मैं फाइल में लेकर चलता हूँ, फाइल का नाम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पोस्टर 2 करके है। इसमें आपको देख लीजिए सारे सारे, ये आपको बैकग्राउंड होगा, ये सारे के सारे PNG आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर थंबनेल, यहाँ पोस्टर, यहाँ पर PNG सब कुछ इसमें मिलेगा। बस इसको कैसे यूज करना है वो हम आपको बता देते हैं। यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पिक्सल एप्लीकेशन। आप लोग प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, मेरे पास प्रो वर्जन है, तो मैं बेलैक वाला यूज करता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग भी इस तरह का यूज़ करना चाहते हो, मेरे टेलीग्राम से जाकर ज्वाइनिंग हो जाइए, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो आपको जो जैसे ही आपको जो सारे फाइल डाउनलोड करके एनजीप करके जहाँ भी रखेंगे उस फाइल पर कैसे जाना है, तो जाने के लिए पहले ऊपर 3 आइकन पर क्लिक करना होगा। यूज़ फॉर इमेज गैलरी पर जाना है। गैलरी पे जाने के बाद अपने मोबाइल के स्टोरेज में जाना है, और जहाँ भी फाइल को अनजिप करके रखे उस फाइल पे चले जाना है। जैसे यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पोस्टर 3 करके है, तो यहाँ पर उस पर हम क्लिक करेंगे, तो अंदर आपको सारे सारे PLP फाइल देखने यानी PNG देखने को मिल जाएगा। तो पहले हम आकर बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फॉर गैलरी पर आना है। यहाँ पर जाएंगे, फिर से वही वाला फाइल आपका खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाला PNG सेलेक्ट करना है। PNG सेलेक्ट करने के बाद बीच पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिलेटिव साइज का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करके बड़ा कर लेना है, ओके कर देना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फॉर गैलरी पे आना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला लेना श्री कृष्ण जन्माष्टमी का PNG, इसको सेलेक्ट करना है, और इसका भी रिलेटिव साइज 100 कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फॉर गैलरी पे आना है। उसके बाद नेक्स्ट करके इस तरह के आपको सारे सारे जो भी चीज़ लिखा होगा आपको सारे के सारे चीज़ इस तरह से लगाते रहना है, ओके कर देना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फॉर गैलरी पे आना है। उसके बाद आपको किस भगवान का कोई भी PNG आप लेना चाहते हैं PNG ले सकते हैं, और इसका भी साइज अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ओके कर देना है। इसके बाद आपको अपना फोटो और नेम प्लेट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फॉर गैलरी पर आएंगे। उसके बाद इस तरह का नेम प्लेट आपको मिल जाएगा, इस तरह से आपको इसको लगाना है, और इसका साइज क्रिएट करके बड़ा कर लेना है। उसके बाद इसमें आपको अपना फ़ोटो लगाना है भाइयों, तो फोटो लगाने के लिए प्लस पे सेलेक्ट करना होगा, फॉर गैलरी पे आना होगा। उसके बाद आपको PNG जहाँ भी फोटो अपना बनाकर PNG रखे होंगे उसको ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो RB अद्वालिम जाते हैं, तो कोई एक सा फ़ोटो अपना हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी जो PNG फ़ोटो होगा। ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं, इसका साइज हम कुछ देर घुमा लेना है, ओके कर देना है, और फ़ोटो को अपने हिसाब से ले आकर यहाँ पर मैनेज कर देना है। अब यहाँ पर मेरा फ़ोटो लग गया है। उसके बाद इसमें आपको क्या करना होगा, अपना नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए आपको ए पे क्लिक करना है, न्यू टेस्ट लेना है, तो न्यू टेस्ट पे लेकर आना है। दो बार टैप करके सारा डिलीट करके, यहाँ पर जैसे मेरा नाम RB यादव है, तो मैं अपना नाम RB यादव लिख लिया, ओके कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका आपको साइज बड़ा कर लेना है, थोड़ा सा और आगे जाना है, यहाँ पर कलर ले लेना है, जो भी कलर आपको अच्छा लगेगा वो कलर आप यहाँ पर से यूज कर सकते हैं, मैं रेड ले लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे, फ़ॉन्ट का ऑप्शन देगा, फ़ॉन्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट देखने को मिल जाता है, आपको फ़ॉन्ट में जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे वो फ़ॉन्ट आप यूज कर लेना है। मैं बोल्ड फ़ॉन्ट यूज करता हूँ, तो बोल्ड फ़ॉन्ट का साइज़ इस तरह से लेकर बड़ा कर लेना है। थोड़ा सा और आगे जाना है, स्ट्रोक दे देना, स्ट्रोक में आपको वाइट सा स्ट्रोक, ब्लैक स्ट्रोक, जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको स्ट्रोक दे देना है। इस तरह से आपका पोस्टर डिजाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद इसको कैसे सेव करना है, सेव का ऑप्शन ऊपर देखने को मिलेगा, सेव पे उसका सेव एंड इमेज का ऑप्शन देगा। उसके बाद क्वालिटी पूछेगा, क्वालिटी पे क्लिक करना है, अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी पे सेव कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।